जैसे कि आपने बताया कि वो हॉन्टेड प्लेस था लोकेशन, तो शूट करने के बाद में एडिट टेबल पे कुछ दिखा आपको? वेल, कोशिश बहुत की एडिटर ने देखने की, ढूंढने की, मिला नहीं ऐसा कुछ. बट यस, एक मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दी, इन द सेंस नॉट ऑन द एडिट टेबल बट अदरवाइज व्हाइल शूटिंग द फिल्म. यू नो, कभी अचानक ही, क्योंकि दो सेक्शन उस घर के बंद थे जहाँ पे हमको बिल्कुल अलाउड नहीं था जाना या हमको उस तरह जाना. तो एक इंट्रीक था कि एक बार जाके देखते हैं वहाँ पे उस तरफ क्या, छत पे जाके. तो मैंने एक बार ट्रायल भी किया. बट वाइल शूटिंग इन द नाइट्स व्हेन आई वाज नॉट शूटिंग, भूषण टोल्ड मी अबाउट कपल ऑफ इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस. मतलब सब जो शूटिंग के इक्विपमेंट्स हैं सडनली कुछ ऑफ हो जाते थे, कुछ ऑन हो जाते थे, बट कोई रीजन नहीं होता. देयर वाज वन रूम, मतलब कोई रीजन नहीं होता था. मतलब एवरीथिंग है, सब जनरेटर में फ्यूल भरा हुआ है, टेक्नीशियंस बराबर लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, बट कोई रीजन नहीं होता था चीजें बंद हो जाने का. फिर उनको स्टार्ट करो, मतलब कुछ कुछ टाइम पे गैप्स पड़ते थे शूटिंग में, नो रीजन, फॉर नो रीजन. तो वो एक फीलिंग हुई थी. भूषण सर, आपसे एक सवाल है. जी. ऑल्दो आपने बताया कि वीएफएक्स रीजन है रिलीज डेट चेंज करने की, लेकिन क्या एक रीजन ये भी था कि मतलब मूवीज जैसे रंगीला राजा और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्लैश हो रही थी इस मूवी के साथ में, इसीलिए डेट्स चेंज की गई? क्या है ना, देखिए अभी साल में 52 फ्राइडेज ही होते हैं और पिक्चरें तो बहुत ज़्यादा बनती, तो पिक्चरें क्लैश होना तो लाजमी है. वी वर एक्सपेक्टिंग अदर फिल्म्स टू बी टू गेट अ सोलो रिलीज ऑन अ फ्राइडे, इज इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल. तो ये रीज़न नहीं है ज़रा भी. अब क्या है, जैसे क्योंकि वो जो फिल्म्स हैं वो बहुत अच्छी फिल्म्स हैं, लेकिन उनका जॉनर अलग है, हमारी फिल्म का जॉनर अलग है. बात वही होगी जैसे कि एक ही दिन पे अगर टीवी पे टेनिस मैच हो और क्रिकेट मैच भी हो और फुटबॉल भी हो, तो क्रिकेट वाले क्रिकेट देखेंगे, टेनिस वाले टेनिस देखेंगे और फुटबॉल वाले फुटबॉल देखेंगे. तो ये टेंशन था ही नहीं मुझे. हॉरर वाले जब मुझे पहले दिन नहीं आते, दूसरे दिन तीसरे दिन आते, और जब आते, जब पता चलता उनको पिक्चर अच्छी है, तब भी आ जाते. तो मुझे रिलीज डेट, मतलब सचिन एंड मी वर नॉट वरीड अबाउट दैट. इट वाज नॉट के मतलब ज़्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन से डरते नहीं. कंपटीशन तो है, वो तो है, सारी अच्छी फिल्में हैं और जो फिल्में अच्छी है वो चलेगी. बट वीएफएक्स वाज द रीज़न, बिकॉज वीएफएक्स हमें श्योर था कि हमें टॉप क्लास करना है, और अगर हम लोग ही खुश नहीं थे तो हमें ये नहीं था कि हम ऐसे ही रिलीज़ कर दे, फ़ायदा नहीं था. सो 3 weeks इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड ही वाज ग्रेशियस इनफ टू अलाउ मी टू सी एडिंग ऑन टू हिम. मतलब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमारा शूट तो जून मई एंड में ही खत्म हो चुका था. सो इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू रिलीज द फिल्म ओनली प्योरली बिकॉज ऑफ वीएफएक्स, टेक्नोलॉजी, एसएफएक्स, जो भी आप बोलोगे. एक पोस्ट प्रोडक्शन वॉज द मेजर रीजन. मतलब काफ़ी दफ़ा कॉन्टम्पलेट किया, आई मीन ऑल द प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी सैट एंड डिसाइडेड कि चलो टारगेट करते हैं. वी वर फर्स्ट अर्लियर टारगेटिंग अक्टूबर नवंबर, वो नहीं हुआ. वीएफएक्स डीले है और बेटर करना है. लेट्स गेट सम टेक्नीशियंस from US, use them, let's get some people. So, har baar jo reason raha hai, it was always VFX. I mean, is baar bhi 11th, I said, we were very excited, promotion, we started off putting out the trailer, teaser, everything, but same reason, again. रीजन होता है कि एक हॉरर फिल्म में हमेशा कंपैरिजन होता है. अमेरिका में हॉरर फिल्में बनती है, चेक चेक चेक, आ गया, चलो. तो जब भी कंपैरिजन होता है हॉरर फिल्म्स का, इंडियन हॉरर फिल्म्स है, ऑडियंस खास करके जब भी देखती है, यार सेम घिसपिटी, वही गाने होंगे, वही हॉरर होगा, वही भूत होगा, थोड़ा डराएगा और चला जाएगा. स्टोरी नहीं होती हॉरर फिल्मों में. अरे हॉलीवुड की वो कॉन्जरिंग को देखो, उसमें उसका इफेक्ट्स देखो, क्या रियल लग रहा था. सी ऑल दीज फैक्टर्स विच इज़ देयर इन एन ऑडियंस माइंड, दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू चेंज विद दिस फिल्म. के इवन इंडिया कैन मेक हॉरर फिल्म. इंडिया हैज़ क्लासिक हॉरर फिल्म लाइक महल विच वर मेड इन 1960s एंड 70s. देन वी हैड रात विच वॉज डन इन द 90s. वी हैड सच ग्रेट फिल्म. दैट इज समथिंग लाइक राज, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट विद टूडेज टाइम ऑफ अ हॉरर फिल्म. एंड दैट इज वाई देर इज नो कॉम्प्रोमाइज टू मेक श्योर इट रिलीजेज एट द राइट टाइम विद द राइट क्वालिटी. ओके नरगिस, आपसे जानना चाहेंगे
Nargis, how much do you believe in supernatural powers and this Amavas ki raat and all in real life? I believe in God. So if there's God and good, then there must be hell and evil. Right? So I believe. Sachin, Sachin, mera sawal aapse hai. Hi. जब आप देखते हैं स्केरियस वीएफएक्स और वीएफएक्स का आपने बहुत ज़्यादा जिक्र किया लाइक नेवर सीन बिफोर, मतलब कहीं आपको ये लगता है कि जब मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ या मैं हॉलीवुड की बात करता हूँ, स्पेशली मैं बॉलीवुड की बात करूँगी क्योंकि हिंदी सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, क्या हम अब तक वो कर नहीं पाए हैं जो आप करने जा रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से? क्योंकि वीएफएक्स पे आप बहुत जोर दे रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं. सी, जब मैं वीएफएक्स के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो इट्स अबाउट मेकिंग इट रियल, मेकिंग इट बिलीवेबल. ये नहीं कि मैंने कुछ अलग कुछ क्रिएट कर दिया, मतलब कोई फैंटेसी क्रिएट कर दी. सो इन दिस फिल्म अमावस स्पेसिफिकली, तो जो भी हमारे सीक्वेंसेस हैं या कहानी को जो नरेशन क्रिएट किया, तो उसको बिलीवेबल करना हैज़ बीन आवर टास्क. और वो चीज़ काफ़ी शॉर्टकमिंग्स में देख रहा हूँ कि हमारी बॉलीवुड हॉरर फिल्मों में रहा है. मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो दिखता है वो बहुत अलग होता है. सो दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर एंड इंश्योर कि इसमें ऐसा ना हो, इसमें वो इफेक्ट मिले, रियल बिलीवेबल हॉरर फिल्म लगे, इज व्हाट वी आर ट्राइंग. वैसे अगर आप देखेंगे बाहुबली है या पद्मावत है, उन्होंने जो किया वीएफएक्स, आई मीन वी आर नॉट एनी शॉर्ट ऑफ मेकिंग सच बिग ग्रेट मूवीज लाइक द वे हॉलीवुड हैज एवर डन. सो वी आर एज अ कंट्री, एज सिनेमा, बॉलीवुड इज growing to that level, and I think aane wale timeon mein aap jo filmein dekhenge, it's going to be at par of what Hollywood cinema is making. Any more questions? All right, so iske pehle Palak, please stay. Isse pehle ki hum